और ये घटिया लड़की जिसकी मैंने हेल्प किया, मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, बहुत बहुत ज्यादा फील हो रहा है तुम दोनों की वजह से ना, इन दोनों की जिंदगी का। कौन है तू? क्या हुआ? बीच में कैसे आ रहा है? तू कौन है? क्या हुआ? तू कौन है भाई? कौन है तू? तू कौन है? अबे भाई कौन सा बंदा, कहाँ का बंदा, पागल है? कौन है? ये क्या चल रहा है? पागल वागल है क्या? ये क्या चल रहा है? पागल है? मैं तेरे साथ चीट कर रहा हूँ, तू मेरे को भी चीट कर रही है। क्यों, जब तू कर सकता मैं तेरे को नहीं कर सकती? बहुत बढ़िया, मैं तो करूंगा ना। सच बोल रही थी जब ये कर रहा है, मैं तो कर सकती हूं। 2 साल से चीट कर रही हो ऐसे, कैसे क्या कर रही है यहां से? तू तो मैं दीपांशी तुमने मुझसे हेल्प ली है, ये मुझे चीट कर रहा था इसलिए मैंने भी चीट कर दिया। और तुझे क्या दिक्कत हो रही है? तेरे को पहले तो तू क्यों बोल रही है बीच में? तेरे को तो नहीं कर रहा? तू बहुत बोल रही थी ना दीपांशी, तुम मुझसे हेल्प लेने आई हो। तू चुप रहना यार, मैं क्यों कर रहा हूं? पता चल गया ना कैसे लोग हैं? पता, ये भी तो बुरी है। दीपांशी सब क्या हो रहा है मेरे को प्लीज क्लियर करो। एक सेकंड, आप शांत, मेरी बात सुन। तूने भाई मेरे क्या चल क्या रहा है बताना, तू बताना क्या चल रहा है? चीट कर रहा था, मैंने भी कर दिया तो क्या हो गया? 2 साल से तू चीट कर रही है। दीपांशी तूने मुझसे हेल्प ली है, तू यूट्यूब पे मेरी वीडियो देखती थी, तूने ये बोला है और फिर ये सब क्या है? बीच में घुस जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा। और तुम्हें क्या हानता रहता है? तेरे को कुछ काम अम्मी है आगे उठा गया पे तो मेरे को क्या पता तू चीट करेगी इसके साथ? क्यों किया तुमने इसको चीट? क्यों किया? तो तू भी तो कर रहा हो ना, तू कौन सा तू भी तो कर रहा हो ना? देखा है मेरे को कहीं? अबे तू कर रहा ही होगा, मुझे पता है कि ये कर रहा है तो तू ये नहीं कर रहा होगा। अच्छा हां सब देख एक बार, तू फोक मत, तू चुप रह। हमारा कुछ नहीं जाने का, हमारा कुछ नहीं जाएगा। तेरे साथ कर दिया ना, चुप ही रह। तू गलत, तेरे साथ कर दिया ना, एक गुद्दी में पड़ जाएगा ना। 6 महीने करा तेरे को पता होगा क्या कर दिया। क्या करा तुम 6 महीने में? था क्या पता होगा तेरे को 6 महीने क्या करा? 6 महीने क्या करा? क्या करा तेरे लोगों के बीच में? पता नहीं होगा तेरे को क्या किया 6 महीने में। दीपांशी क्या है? दीपांशी मैंने तुम पे ट्रस्ट किया है, मेरे को इतना पता है, मैंने तुम पे ट्रस्ट किया है। सॉरी रेट्स? क्या सॉरी रेट्स? क्या सॉरी रेट्स? जब ये कर रहा था तो मैं ये, तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो यार? एक सेकंड, कैसे छोड़ रहा है? एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट यार। तूने इसलिए, देखो यहाँ पे ना कैमरा लगा हुआ है, सुनो, इसने मुझे हेल्प ली आई, इसने मुझे बोला कि मेरे अपने बंदे को रंगे हाथ पकड़ना है। मुझे पता था ना मैं आती भी नहीं, तो तू क्यों चीट कर रही थी फिर उसको अपने बंदे को? यार ये भी तो कर रहा है, कौन सा मैंने तो तेरे और उसमें फिर क्या फर्क रह गया? तेरे और उसमें क्या फर्क है? वो भी तो कर रहा होगा ना कहीं ना कहीं, मतलब तुम भी ऐसी लड़की हो क्या? हो गया तो तेरे घटिया बॉयफ्रेंड और तेरी जैसी घटिया लड़की में तो कोई फर्क ही नहीं है फिर, तुम दोनों सेम ही हो ना, सिमिलर ही हो। लेक्चर मत दे ठीक है, तमीज से बात कर मुझसे, तमीज से बात कर। मैं यहाँ पे तेरी हेल्प करने के लिए आई हूँ। पहले तू पे आई है ना, मैं तमीज से बात करी थी ना तेरे से। तेरी हेल्प के लिए मैं इस लोकेशन पे आई हूँ। तो क्या हो गया मुझे? अरे बहन मुझे पता होता ना ये बीच में आएगा, तू आते से बात ही नहीं करती यार, तेरी तो टोन ही बदल गई। वो बंदा भाई खाता है, बेल बेल लाएगी, कुछ काम करना नहीं तेरे को? लोगों को पटाई तो बेल नहीं मिलेंगे तेरे को। तू तो बहुत अच्छा है, तू तो बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, डेट कर रहा है क्या? बहुत अच्छा है, तू भी तो बेल लाएगी, बहुत अच्छा है ना तू तो। अबे ये देख इससे तो अच्छे उसको मत बोल, मैं तेरे जैसी दो को पटाई घूम रहा हूं, ये देखना। क्या पटाई कर रहा है उसको? तमीज से बात करा करना, क्या पटाई नहीं लग रही? तेरे को एक बात बताऊं, तुम दोनों घटिया लड़कों के, लड़का और ये घटिया लड़की जिसकी मैंने हेल्प किया, मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, बहुत बहुत ज्यादा फील हो रहा है तुम दोनों की वजह से ना, इन दोनों की जिंदगी गई है। अबे वो भी करती होगी, वो भी कर रहा है, तुझे ज्यादा पता क्या? ज्यादा चीट कर रहा है, चीट कर रहा है, तू चीट कर रही है, वो चीट कर रहा है, तुझे ज्यादा पता कि मैं चीट कर रही हूं, ये चीट कर रही है, तो कर रहा है ये क्या? तुझे ज्यादा पता है तू क्या? मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं, वरना चमत्ता सा पड़ेगा ना आंखों के बाहर। तू कर ही रही होगी ना मेरे पे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे मत बोल कुछ भी, मुझे कुछ मत बोल, दूर मत बोल। यार मेरी बात सुनो दीपांशी, तू कर रही है, मुझे बोल रही है फालतू का, तुझे ज्यादा पता मैं चीट कर रही हूं? देखो ज्यादा पता है, अबे देखो ज्यादा पता है, देखो ज्यादा पता है, देखो ज्यादा पता है, मैं क्यों बोल रही नहीं बोलने दूंगी मैं तेरे को, देखो ज्यादा पता है। एक सेकंड मेरी, नहीं बोलने दूंगी। अरे एक सेकंड मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तेरा बॉयफ्रेंड चीट कर रहा है, तू चीट कर रही है, मुझे मेरी कैरेक्टर पे नहीं है। तो अच्छा हुआ ना मैंने उसको चीट कर दिया, चीट कर दिया, बहुत अच्छा हुआ। तो मेरे कैरेक्टर पे उंगली क्यों उठा रही है तू? अभी नहीं, तूने सुन सुन सुन, लड़ाई मत कर, तेरे को अच्छे से पता ना कैमरा लगा हुआ। तू शांत रहो भंडारे में, तू शांत रहो।
मैं कैसी पटाई कैसी कह के तू तो बहुत अच्छी तूने पटाई कैरेक्टर है तू है वो नहीं है इसकी हेल्प ली तू उसी पे चिल्ला रही है तू तो बहुत अच्छी है तू तो बहुत अच्छी है जॉइन कर अपना काम छोड़ के आए हैं जॉइन कर अपना काम छोड़ के हां सब तेरे काम है भाई सब तेरे वेले है वो इंसान मेरे रोज का काम है क्या आई है तेरी हेल्प करने के लिए तो लड़ो मत होए तुम दोनों साथ अपना मुंह चिल्ला मत मेरे पे तू बोलने लायक नहीं है तू बोलने लायक नहीं है सामने है ठीक है अब क्या क्यों किस क्यों वाओ है तुम उठा के वाओ तू मैं कहीं भी घूम के लेके जा रहा है आ गया था अच्छा खासा सब कुछ अच्छा खासा सब कुछ हां अच्छा अच्छा मतलब एक सेकंड कंक्लूजन ये है कि ये लड़की अपने बंदे को गलत प्रूव करके छोड़ देना चाहती थी तो ये भी कर रहा था ना हां यही था तो मैं गलत था तो तू भी तो गलत है प्रूव तो तू उसको गलत करना चाहती थी ना मुझे भी इसमें इंटरेस्ट नहीं था तू कुछ बोल ही नहीं मत तुझे इंटरेस्ट ही था तेरे को बोलना चाहिए था मेरे को अब एक्सपोज क्यों कराया क्यों करवाया मुझे अपने कैमरा क्यों लगवा दिया सामने फिर बचना था मुझे पता नहीं क्या आ जाएगा अब तेरी फैमिली को दिखाऊंगी कि तू कैसी है तेरी पूरी फैमिली को बिना फेस ब्लर कर दिखाऊंगी क्योंकि इसकी हेल्प की मैंने और इसका मैं पहली बार जिंदगी में किसी लड़की का बिना फेस ब्लर करे डाल रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ इस लड़की के लिए मैं अपने काम वाम सब छोड़ के इसकी हेल्प करने आई हूँ कैमरा लगा रही हूँ अपने भाई को लेके आ रही हूँ धूप में धक्के खा रही हूँ और तू मुझसे ही मुझ पे ही चिल्ला रही है कह रही हमें तो कोई काम धंधा नहीं है तुझे काम धंधा है ना तू तो बॉयफ्रेंड बनाने के तुझे काम है तीसरा भी है तेरा यार है क्या ना तू बहुत अच्छी तीसरा भी है बहुत अच्छी है उसके कैरेक्टर में क्यों जा रही है वो तू गलत है ना अरे तू क्यों जा रही है लड़की के कैरेक्टर पे तो जा ही रही है ना गलत तू है गलत ये है तुम दोनों के चक्कर में इन दोनों की जिंदगी खराब हुई है कैरेक्टरों पे जाएगी तू सर्टिफिकेट भी दे दे कैरेक्टर के आगे तू अपना मुंह बंद रख इसकी भी बर्बाद अपना मुंह बंद रख अपना मुंह बंद रख इसकी भी बर्बाद अपना मुंह बंद रख शांत रहेगा अपना मुंह बंद रख तू चिल्ला के रहा शांत रह चिल्ला मत नहीं रह रहा शांत क्या अपना मुंह बंद रखेगा तू जिंदगी बर्बाद नहीं होगी जिंदगी बर्बाद ही होगी सिर्फ तेरे वजह से आने जाने का होता है एक गया एक है इसमें नॉट अ बिग डील अच्छा नॉट अ बिग डील ये चलता है हां जी तो ये चलता है कि एक्सपोज बहन करवाया फिर उसको बचना था अपनी फैमिली को दिखाना था कि यार और मेरी फैमिली पीछे पड़ गई देख ली शादी कर इससे शादी कर ये भी अब क्या करेंगे वो वीडियो डलेगी अब क्या करेंगे कुछ नहीं हो सकता ना मेरे को इतनी समझी मैं हेल्प कर लूंगी फिर तुझे क्या मतलब मैं कर लूंगी जो करना होगा मुझे तुझे क्या दीपांशी देर से शादी है तेरी जैसी घटिया लड़की ना मैंने जिंदगी में नहीं देखी भी नहीं भाई मैं देखना भी नहीं चाहती भी नहीं देखना चाहती भी नहीं ठीक है नहीं मैं तेरे को हेल्प करने आई और तूने मतलब तूने तूने बहुत गलत किया ठीक है और तेरे को अब इसका रिवेंज मिलेगा ना तेरे को वीडियो डालूंगी ना बिना फेस ब्लर करे डालूंगी ना पहली बार जिंदगी में तू क्या देगा शादी नहीं करेगी लॉयल्टी चाहिए होती है लड़की को समझा अगर वो गलत है ना तो तू भी सर से पाप तक गलत है तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है और तुम दोनों घटिया हरकतों की वजह से इन दोनों लोगों की जिंदगी खराब हुई है समझे समझ गया ना एक काम कर निकल यहाँ से तू पहले जाए और सुन तू निकल यहाँ से तो जा ही तू निकल इसके साथ चल तुम दोनों क्या चाहूंगी क्या मैं तो अकेली क्या देख अभी एक आदमी कहीं और मिल जाएगी निकल तू यहाँ से निकल चल की तो निकल यार सुनो यार रिलैक्स यार मैं समझ सकती हूँ यार बहुत ही बुरा लग रहा होगा सीरियसली मैंने मतलब मेरे को भी सोच रहा कैसा लग रहा होगा कि मैंने उस लड़की की हेल्प के लिए मैं लोकेशन पे आई हूँ और मुझे पता ही नहीं था कि मैं इंट्रो में उसको बिठा रही हूँ और वो बोल रही है मैं एक्सपोज करना चाहती हूँ अवल में एंड में लड़की इतनी गलत निकली अनएक्सपेक्टेड हुआ है कभी जिंदगी में नहीं हुआ 2 साल हो गए यार मेरे को चैनल बनाए और 2 साल से हम लोग हेल्प कर रहे हैं कभी ऐसा नहीं हुआ सीरियसली मतलब यार प्लीज़ यार अपने आप को आगे बढ़ाओ मूव ऑन करो और यार गाइस आपको बता दूँ लड़की अगर गलत है ना तो उसको सारे ही गलत लगेंगे जैसे वो लड़की गलत थी तो इसके कैरेक्टर पे उंगली उठा रही थी ठीक है हर लड़की एक जैसे बिल्कुल नहीं होती और वैसे ही सेम इस पे भी जाता है कि हर लड़का एक जैसा नहीं होता ये लड़का बिल्कुल लॉयल था बहुत प्यार करता था लेकिन पता नहीं लेकिन आप ये बताओ आपको लोकेशन कैसे पता चली फोन वोन में देखा था कुछ ऐसा नहीं मैं तो ऐसे ही आ रहा था हाँ यहाँ मिलते थे आप लोग पहले हाँ तो ऐसे मतलब भगवान ने जो किया सही किया ठीक है इनको एटलीस्ट पता चल गया कि वो दोनों ही चीट कर रहे थे इन दोनों को ठीक है तो प्लीज़ यार टेक केयर ऑफ योर सेल्फ यार ध्यान रखो यार मेरे को सीरियसली बहुत ही बुरा लग रहा है और सच में मेरा दिल दुख है वो अलग आप ध्यान रखो ठीक है डोंट वरी यार और प्लीज़ आप लोग बहुत अच्छे हो दोनों सीरियसली आप लोग लॉयल थे अपना आपने 110% दिया इस रिलेशनशिप में तो मैं अच्छे लोगों से पूछूंगी क्या ये वीडियो अपलोड कर सकती हूँ मैं पक्का कर दूँ एटलीस्ट उनकी सच्चाई तो दुनिया में दिखे ना यार ठीक है प्लीज़ टेक केयर यार थैंक यू सो मच बाय